आज हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की तरफ से अंजन कुमार यादव साहब की सदारत में और ये जो पीस रैली है आज भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी तेलंगाना में आ चुके हैं और दीपावली के कारण दिल्ली चले गए। 27th मॉर्निंग 6 o'clock से फिर यात्रा स्टार्ट है और कंटिन्यूसली तेलंगाना में 7 तारीख तक राहुल गांधी तेलंगाना में अवेलेबल है। आज जो हम जो पीस मार्च बोलो ये एक माहौल बनाने के लिए हम निकल रहे हैं। तेलंगाना में खुसूसी हैदराबाद में राहुल गांधी आ रहे हैं तो जोश है क्योंकि राहुल गांधी एक नई उम्मीद लेके आ रहे हैं और राहुल गांधी का ये टाइम पे आप रूप देखिए एकदम एग्रेसिव है। तो राहुल गांधी एक बात क्लियर कट बोल दिए सारे हिंदुस्तान को कि अब आप मेरे को लाइट नहीं ले सकते, दोस्तों को बोल दिए और जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट को बोल दिए। आप बोले मैं पप्पू हूं, पप्पू नहीं हूं, आग हूं आग। और आज अब राहुल गांधी जब रोडों पे निकले तो रेस्पॉन्स देखिए पब्लिक का। और राहुल गांधी को आप कौन सा भी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, राहुल गांधी कितना टेक्निकल स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे रहे हैं। सो इससे पता चलता कि राहुल गांधी फ्यूचर प्रधानमंत्री का एक मटेरियल बने हुए हैं। फिरोज खान तो कई दिनों से कहता था कि राहुल जी आप पब्लिक में आइए और आज राहुल गांधी ये बताए कि भाई मेरे को आप बदनाम करते डायनेस्टी पॉलिटिक्स बोल के, मगर मैं जो महल में हूँ वो महल को छोड़ के मैं आवाम में निकल के आ चुका हूँ। तो जब आवाम में निकल के आते आप उसको क्या बोलते, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स। और जब खांदे से खांदा मिलाकर कदम से कदम चलकर राहुल गांधी की एक ही मंशा है और वो भारत को जोड़ने की है। हिंदुस्तान को रूल कर रहे हैं, सबको मालूम, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार आजादी आने से पहले और आज तक हिंदुस्तान को यूनाइट करके लीड करा। प्रधानमंत्री की टीम को जब हम पूछते अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, नौकरियों के बारे में बात नहीं करते, प्राइस हाइक के बारे में बात नहीं करते, गैस डीजल पेट्रोल बात नहीं करते, जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके बारे में बात नहीं करते, इकोनॉमिकल मिसमैनेजमेंट करते, टैक्सों के ऊपर टैक्स डालते, हैरत की बात है, दूध के ऊपर टैक्स, कर्ड के ऊपर टैक्स, बटर के ऊपर टैक्स और जो पैकेज फूड ग्रेन है उसके ऊपर टैक्स, जितने भी पब्लिक एसर्ट है उसको आप आपके दोस्ता जो कॉर्पोरेट में बिलोंग करते आप उनको दे देते। और समझ में हर किसी को एक बात समझ में नहीं आई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास बोलने वाले प्रधानमंत्री 12 लाख करोड़ कॉर्पोरेट कंपनी इंडस्ट्री हाउसेस और डूब एजेंसियों के आप माफ कर देते। जब बात करने को हम बैठते तो डिबेट कर देते, क्या बात करते आप तेलंगाना में तो क्या बात करते भाग्यलक्ष्मी, दिल्ली में तो क्या बात करते ज्ञानव्यापी, और कुछ बोले तो वो मुनव्वर फारूखी, अरे भाई और कुछ बोले हलाल, और कुछ बोले हिजाब, अरे रे 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 परेशानी हो गई रे भाई हिंदुस्तान में। तो अब हिंदुस्तान की आवाम एक अल्टरनेटिव की तलाश में है और हिंदुस्तान में अगर से नरेंद्र मोदी को कोई वो गद्दी पे से निकालना
एक बात बोल दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी से और वो सिर्फ राहुल गांधी से पॉसिबल है। अब जैसा कई चूहे आवाज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम KCR, ये चूहे ममता बनर्जी, KCR, नीतीश, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, ये पूरे मिलके ममता बनर्जी, ये पूरे अलीबाबा 40 स्टोर की टीम बनी तो क्या नरेंद्र मोदी को निकाल सकते हैं?